तो फ्रेंड उत्तराखंड पुलिस भर्ती के फिजिकल को लेकर काफी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि ये इस बार क्योंकि जो कैंडिडेट्स की संख्या है 2.58 लाख के आसपास है, और जो कि लास्ट ये बार जब हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बार कैंडिडेट हैं, और सबसे पहली बात फिजिकल भी जो है इस बार होना है ऐसा आयोग की ओर से कहा गया है। अब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आयोग और उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में सोच रहा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा आप हमारे नए टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड के तमाम जितने भी एग्जाम हैं सभी की तैयारियां और नोटिफिकेशन जॉब्स रिलेटेड जरूर आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से तीन अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उनमें नंबर वन जो योजना है वो ये है कि सभी जिलों में 15-15 दिनों तक फिजिकल कराया जाए। तो सोचिए अगर सभी जिलों में इस तरह से होगा तो कितने दिन जो है इस भर्ती को लगेंगे फिजिकल कंप्लीट कराने में, क्योंकि 2.58 लाख जो है कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन आए हुए हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कितने दिन लगेंगे। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जिससे फिजिकल की प्रक्रिया 15 दिन में खत्म हो जाएगी, और मसलन एक यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है कि पौड़ी जिले के अभ्यर्थियों का फिजिकल रांची स्टेडियम में 15 दिन लगातार कराया जाए, जिससे 15 दिन के भीतर जो है खत्म हो जाए। मसलन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगभग हर दिन 1,000 से 3,000 बेरोजगारों का फिजिकल हो जाएगा। इसी तरह से उत्तरकाशी का फिजिकल भी मेटेरा स्टेडियम में 15 दिन तक लगातार चलता रहेगा। यानी कि पहला जो योजना उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से बनाया जा रहा है, ये एज एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है कि 15 डेज अगर हर जिले को दे दिया जाए और एक दिन में लगभग 1,000 से 3,000 कैंडिडेट का अगर फिजिकल हो जाए तो ये संभव है। हालांकि 1,000 से 3,000 कैंडिडेट्स का फिजिकल होना लगभग संभव जैसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल में अगर रिसेंटली जो DGP सर का जो बयान आया था उनके अनुसार जो है फिजिकल अप्रैल में होंगे, और आयोग की ओर से जो बयान आया है और हमने अपने रिसेंट वीडियो में भी आपको बताया था कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में आपका फिजिकल की डेटें आ सकती हैं। फिजिकल अप्रैल में आएगा तो सोचे मई जून में अगर आपके फिजिकल होते हैं तो उस दिनों में गर्मी कितनी ज़्यादा होती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और धूप में, और जहाँ तक पता चल रहा है कि पहले जो है ऑन रोड पे ये फिजिकल होता था, लेकिन इस बार जो है स्टेडियम के अंदर कराने की सोची जा रही क्योंकि गर्मियों का माहौल। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट इसमें ये निकल के सामने आ रहा है कि एक महीने तक बारीकी से हर जिले में अभ्यर्थियों का फिजिकल कराया जाए। इससे यह होगा कि हर दिन 5,000 से 10,000 अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा, जिसके बाद रिजल्ट निकालने में भी आसानी होगी। यानी कि नंबर पहला तो कंटिन्यू 15 दिन का हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जो हो रहा है कि एक महीने तक बारीकी से हर जिले में अभ्यर्थियों का फिजिकल कराया जाए। इससे यह होगा कि हर दिन 5,000 से लगभग 10,000 अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा, जिसके बाद जो है रिजल्ट निकालना आसान होगा। हालांकि ये दूसरा वाला जो पॉइंट है काफ़ी टफ है। अगर इस तरह से अगर एक महीने अगर आप फिजिकल में देंगे, इससे ज़्यादा देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2.5 लाख अगर 2.58 लाख कैंडिडेट्स का फिजिकल कराने में कितना दिन लगेगा। और अभी मैं आपको तीनों सिनेरियो बताऊंगा, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा आपके अनुसार जो है सटीक होगा और कौन सा जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस डिपार्टमेंट अपनाएगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम रेगुलर जॉब से रिलेटेड अपडेट देते हैं। और उसके अलावा हमने एक नया टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जहां पर आपको ऑल ओवर इंडिया प्लस उत्तराखंड से रिलेटेड तमाम जॉब्स के बारे में और एजुकेशन से रिलेटेड नोट्स हम आपको देते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी जो
सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योजना जो बनाई जा रही है, जिसके ऊपर मैं भी सहमत हूँ, वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि फिजिकल के बजाय पहले लिखित परीक्षा आयोजित हो, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की छटनी पहले ही हो जाएगी और लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल में सिर्फ 25,000 से 30,000 अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए। तो इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि यूपी में भी होता है, हर जगह होता है, पहले रिटर्न लिया जाता है, उसके बाद उसके अनुसार कुछ रेशियो होता है, 2 गुना 3 गुना अभ्यर्थियों जितनी भी सीटें होती हैं उसके अनुसार फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और ये सबसे आसान तरीका है इस हिसाब से, हालांकि इसमें भी रिटर्न कराने के लिए कम से कम जो 2.5 लाख कैंडिडेट हैं उनके लिए भी काफ़ी ऑफलाइन सेंटर ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ऑफलाइन होता है तो मान के चलिए कि किस तरह से फिर वही जुलाई अगस्त के आसपास जो है इसमें होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि इस प्लान पर पुलिस विभाग अभी कोई विचार नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये फिजिकल पहले वाला जो है बात मेरी कुछ समझ में आई नहीं, क्योंकि अच्छा जहाँ तक हमको ऐसा फील हो रहा है कि आयोग और उत्तराखंड पुलिस विभाग जो है को इतनी उम्मीद थी नहीं कि अगर एज 21 से लेकर, अभी आपने देखा होगा 18 से लेकर 23 साल 21 साल के बीच में और छूट से लेकर इस तरह से अगर 23 अगर आप कैलकुलेट कर लें तो इतने कैंडिडेट के एप्लीकेशन आ जाएंगे। अगर अभी सोचिए एज को लेकर अभी बात हाईकोर्ट में चल रही है, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है कैंडिडेट के पक्ष में, तो सोचिए कम से कम 30,000 से 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट, तो ऑलमोस्टली 3 लाख से तो ऊपर ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे। तो तब क्या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा और पुलिस डिपार्टमेंट करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। लेकिन हमारे हिसाब से या फिर जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से ये तीसरा वाला आइडिया सबसे बढ़िया है कि पहले रिटर्न कराया जाए, चाहे 3 लाख कैंडिडेट हो चाहे 3.5 लाख कैंडिडेट हो, उसके रेशियो में फिर आप जितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे वो सबसे बेटर रहेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 2014 में 92,000 आवेदन आए थे, इसी तरह से 2011 में 90,000 आए थे, तब हर जिले में भी 10 दिन तक फिजिकल चलता रहा और बड़ी आसानी से पुलिस ने फिजिकल करा लिया था। सोचिए जब ऑन एन एवरेज में इसको 1 लाख ले लेता हूं, जब 1 लाख कैंडिडेट के फिजिकल कराने में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर लीजिए, हालांकि पहले तो पुलिस के द्वारा होता था, 10 दिन लगे थे, तो सोचिए उसी रेशियो में 2.58 लाख कैंडिडेट का फिजिकल कराने में अगर आप इस रेशियो से भी कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्टली 1 मंथ तो लग ही जाना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, इन तीनों योजनाओं में से कौन सी योजना जो है सबसे अच्छी होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। उसके अलावा कोई भी अपडेट आएगी हम लगातार आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। उसके लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें, बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।